खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां विभिन्न इलाकों में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस दौरान स्थानीय निवासी सपना भाटी ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के चलते जहां आमजन को अपने जीवन को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड संख्या 2 और 3 में पेयजल का संकट बना हुआ है। इसको लेकर महिलाओं ने मोहल्ले में खाली मटके रखकर जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे कस्बे में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पानी नहीं आ रहा नल से, इसलिए पानी की समस्या हो रही है और पानी के बाद कहीं कहीं भटकना पड़ता है, इधर उधर किसी के घर पर जाए तो पानी नहीं मिल रहा है और कहीं पानी का टैंकर डालना पड़ता है, पानी का टैंकर के 500 रुपये लगते हैं। लॉकडाउन के लिए हम कहाँ से लेके आए 500 रुपये, इसलिए हमारी समस्या ये है। बस हम पानी की सुविधा जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। कच्चा पानी लेवा जाऊँ, नदी में पानी नहीं, बरसात हुई नहीं, मारे आज मीन हुआ पानी आवे कोई नहीं, ना अच्छा अच्छा टाबा न मापड़ा हमें कोई लाग कटे लो लगोड़ो तो कटे जाओ पानी लेवा कटी, पानी पूरी समस्या है। तो पानी पचे हमें कटू लावो पीवा, हमें कटे लावो कटी थो मार घरे कटी गए थोड़ा घोड़ा तो मटकी 1-2 लाओ, मुझे 20 जगह मांगते उपड़ी मटकी फोड़े बस ही।